हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? सबको अच्छा होगा। चलिए, डिजिटल आईटी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। मैं गणेश कुमार यादव, आज आपके लिए एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में ईडी में एक प्रोजेक्शन एंड व्यू लेकर आया है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इस प्रोजेक्शन का। ठीक है, जो प्रोजेक्शन है ये बना कैसे है, इसका डायमेंशन क्या है और कौन सा पार्ट कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे या आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू है। अब बात करेंगे कि अगर हम इसको फ्रंट मान लेते हैं, ठीक है, इस साइड को हम फ्रंट मानते हैं, ठीक है, और फ्रंट मानने के बाद इसको हम साइड मान लेंगे और जो ऊपर का पार्ट होगा आपका टॉप होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेंगे फ्रंट में कौन कौन सा पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो फ्रंट में देखिए आपका ये पार्ट दिखेगा। ठीक है, एक ही पार्ट फ्रंट में दिखेगा, ये आपका फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे टॉप। टॉप में आपका रहेगा ये, रहेगा आपका ये टॉप, टॉप रहेगा, टॉप रहेगा और ये भी आपका टॉप में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे साइड कि साइड में कौन कौन सा पार्ट दिखेगा। तो साइड में आपका ये पार्ट दिखेगा, ये पार्ट दिखेगा, ये पार्ट दिखेगा और ये भी आपका साइड में दिखेगा, यानी कि एक दो तीन और चार, चार पार्ट दिखेगा और ये भी आपका टॉप में दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका व्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इधर से हम इसका व्यू निकालेंगे। सबसे पहले एक बार इसका डायमेंशन देख लेंगे। यहां से यहां टोटल डायमेंशन इसका कितना है, 65 है। ठीक है, यहां से यहां 10 और यहां से यहां 10, यानी कि 10 10 20, 20 माइनस 65 बराबर 45। ठीक है, यहां से यहां भी आपका टोटल 45 रहेगा, इसमें 15 और ये 15, कितना होगा 15 15 30 और 15 45 और 20 65। ठीक है, हाइट का बात करेंगे तो हाइट आपका टोटल कितना है 50। ठीक है, तो यहां से यहां की हाइट कितना आपका है, यह आपका इस साइड 10 है, ये आपका 10 है, जबकि ये आपका 5 है। ठीक है, अब बात कर लेंगे साइड में टोटल 50 है, यहां से यहां 15, यहां से यहां 15 और बीच में 20, तो 15 15 30 है 20 50। अब बात करेंगे हाइट, टोटल आपका हाइट बता दिए 15 15 30 और 20 50। चलिए अब इसका हम व्यू निकालेंगे। व्यू निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ऐसा प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्रंट निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका स्क्वायर बना देंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बना देंगे टोटल डायमेंशन लेकर। कितना है ये 65, टोटल कितना है 65, हाइट कितना है आपका 50, तो हाइट इसका ले लेंगे हम कितना 50, हाइट कितना हो जाएगा आपका 50। ये हम पहले स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर बनाने के बाद देखेंगे इसमें कैसे कैसे प्रक्रिया कट रहा है। तो अब नीचे वाला वर्क करेंगे, यहां से यहां कितना है, तो यहां से यहां 10 है, 10 से कितना उठाया है, तो 10 उठाया है, यहां से 10 से 10 उठाया है, फिर इधर से कितना है 10। ठीक है, तो 10 से कितना उठाया है आपका, यहां से देखिए ये 10 से कितना उठाया है आपका, ये भी 10 से उठेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि कट जाएगा, ये आपका 10 है। ठीक है, ये आपका 10 10 हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि यहां से यहां ही 5 में हम कम कर दिए, यानी कि 5 ही है, तो क्या करेंगे हम यहां से ये 5 कर देंगे। ठीक है, ये 5 कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा बन गया, ये वाला 5 बन गया। अब ये बनाएंगे तो क्या कर रहा है कि यहां से यहां कितना उठा रहा है, तो यहां से यहां आपका 15 उठा रहा है, तो यहां से हम कितना 15 उठा लेंगे, 15 से कितना ले जा रहा है यहाँ पे, यहाँ 15, यानी कि यहां से हम 15 लेके जाएंगे। ठीक है, अब इधर से देखिए यहां से कितना लिया है, ये ऊपर से ये कितना है आपका, तो 15। ठीक है, ये आपका 15 है, 15 से डाउन कितना किया है ये 20। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां से हम लिए ना, ये 15 ले लिया है, तो यहां से यहां 15 है। ठीक है, ये 15 हो गया, अब यहां से कितना डाउन किया है ये, तो 20 डाउन किया। ठीक है, 20 डाउन किया है, अब यहां से यहां कितना लिया है, तो 15, तो यहां से यहां ले लेगा ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि दोनों का सेंटर, दोनों का सेंटर कितना, 65 का माधा कर तो 32.5 होगा, यानी 32.5,
32.5 पर अगर हम सेंटर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको कितना उठाना है आपको, यहां से टोटल यहां पे लेके आना है कि जितना हाइट है आपका, यहां कितना माइनस करेंगे आपका, ये सेंटर है, यहां से हम क्या करेंगे 15 उठाएंगे, यानी कि आपका ये 10 है और 15 कितना 35 होगा, 10 और 15 नहीं सॉरी 25 होगा, तो यहां से यहाँ 15 है, ठीक है, तो यहां से हम 10 उठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। 25 पे क्या कर रहा है आपका कि ये इधर से मिला दे रहा है और ये आपका इधर से मिला दे रहा है। अब ये वाला क्या होगा, हम इसको मिटा देंगे, ठीक है, ये बन गया आपका फ्रंट, ये फ्रंट बन गया, ये आपका 10 रहेगा, यहां से यहां भी आपका 10 रहेगा, ठीक है, ये हाइट आपका 10 है और ये हाइट आपका 50 है, ठीक है। यहां से यहां कितना है, ये आपका 15 है और ये टोटल आपका 50 है, ठीक है, ये आपका फ्रंट बन गया। अब इसी के ऊपर टॉप बनाएंगे, तो टॉप का बेस तो सेम रहेगा आपका, ध्यान से देखिए, ये तो इसी के ऊपर है ना, तो ये आपका बेस सेम रहेगा। अब इसको इसके ऊपर खड़ा कर रहा है, यानी कि इसका हाइट भी कितना हो जाएगा 50, इसको क्या करेगा, इसके ऊपर खड़ा कर रहा है, ये इसके ऊपर खड़ा कर रहा है, ठीक है, तो हाइट कितना हो जाएगा इसका, हाइट भी हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 50। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबका, अब यहां से यहां कितना, यहां से 15 है, तो यहां से 15 है, फिर यहां से बीच में कितना है आपका 20 है, 20 है, फिर यहां 15 है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये मिला देंगे, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मिल जा रहा है 1 2 3 4, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट्स है ये क्या कर रहा है, ये आपका टॉप में दिखेगा तो कट कर दिखेगा ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये पार्ट्स कितना है यहां से यहां, ये आपका टोटल कितना 15 में आधा करेगा, तो टोटल कितना हो रहा है 50 हो रहा है ना, तो ये आपका 25 पे लिया ना यहां से यहां, तो ये आपका 25 हो जाएगा यहां से, और ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 2 3 और 4, ये आपका टॉप बन गया, ये आपका टॉप बन गया। ठीक है, ये आपका टॉप बन गया। अब बनाते हैं इसको हम लोग क्या, आप फ्रंट बनाएंगे, फ्रंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, फ्रंट का तो ये डायमेंशन कितना है 50, तो ये 50 लेंगे, हाइट तो 50 रहेगा करेगा, हाइट जब आपका फ्रंट का 50 है तो इसका भी 50 रहेगा, ठीक है। स्क्वायर बन गया, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला पार्ट बनाएंगे, ठीक है, तो यहां से कितना 15 लिया है ना, तो ध्यान से दीजिए, यहां से 15 ले रहा है तो 15 से हम यहां काट देंगे, ठीक है। अब 15 से यहां से कितना ले रहा है 15, और इधर से कितना ले रहा है 15, डाउन कितना कर रहा है आपका तो 10, कितना कर रहा डाउन आपका 10, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आपका यहां, तो यहां से एक पार्ट से आपका यहां से यहां हो जाएगा, ठीक है, और यहां से यहां यानी कि आपका माइनस कर रहा है ना, तो इसके सामने यानी कि यहां से 25 आप ले रहे हो तो आपका 65, यानी कि आपको कितना हो जाएगा ये 65 माइनस यहां से ले आप 25, तो 65 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा 40, तो यहां से हम 40 लेंगे, यहां से आपका 15 है, ठीक है, और यहां से 10 है, कितना होगा 15 25, यहां से लेंगे 15, ये हो जाएगा आपका 40 इसके सामने, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 20,
ठीक है, ये आपका फ्रंट बन गया। अब इसमें क्या है कि छुपा हुआ वाला भाग दिखाना है, इसमें छुपा हुआ भी भाग है उसको दिखाना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें छुपा हुआ वाला भाग कौन कहां दिखाई देगा। तो अब देखिए ये वाला जो पार्ट है इसका पांच का, ये जो पांच नीचे दिख रहा है ना, तो यहां से यहां पांच, ये जो पांच ले रहे हैं तो इसको इसमें दिखाना पड़ेगा, किसमें, इसमें यहां पर। लेकिन यहां दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है कि ये आपका पांच में ये भी कटा हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है यहां से जो इधर कट रहा है, तो यहां से पांच पर ये इसमें छुपा हुआ भाग इसमें दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें भी इसका यहां से जो पांच कटा हुआ है ना, ये वाला भाग इसमें हम लोग शो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आज आपका बन गया, इसका आप डायमेंशन दर्शा देते हैं, ये 50, ये हो गया साइड, ये हो गया फ्रंट, और ये हो गया टॉप, ठीक है। ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू बन गया। आप ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से बना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले ड्राइंग बनाना है, इसका प्रोजेक्शन बनाना है। प्रोजेक्शन बनाने के बाद ही आपको व्यू निकालना है। जब तक आप प्रोजेक्शन अच्छा से बनाइएगा नहीं, तब तक आपसे व्यू अच्छा से निकलेगा नहीं, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी वीडियो को देखने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे सारे वीडियो अवेलेबल है। तो जय हिंद।